हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी रीडिंग होती है। ठीक है, आज की टॉपिक है आपकी हिडन पोटेंशियल एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। आपकी लाइफ की प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। पहले मैं हिडन पोटेंशियल देखूंगी। ओके, आप ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर वन, थैंक यू, मनी बैग, ओके। ग्रुप नंबर टू, इन्फिनिटी सिंबल, ओके। ग्रुप नंबर थ्री, रेनबो हार्ट। चूज इंट्यूटिवली। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप वन, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी की प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। उससे पहले हिडन पोटेंशियल हम देखेंगे। पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल हम सब में है माइडिया, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसके चलते हमें अर्निंग्स होती है, कमाई होती है एंड कभी कभी पैशन भी जुड़ी होती है हिडन पोटेंशियल से। बट हिडन पोटेंशियल कभी कभी क्या होता है कि हिडन पोटेंशियल हमें पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं, कभी कभी नेगेटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। मैं चेक करूँगी जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, चलिए देखते हैं। मनी बैग आपने चूज़ की है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। पहले मैं हिडन पोटेंशियल देखूंगी, उसके बाद मैं कार्ड शफल करूंगी आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन, डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रॉमिसेस। नंबर 19, ह्यूज लियो एनर्जी। रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट। नंबर 36, थैंक यू। एंड दिस मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर, बाउंड्रीज। नंबर 37, ग्रुप नंबर वन, यू हैव ए टू फेस, यू हैव ए टू फेस माई डियर। डुअल साइन, वर्गो, सजिटेरियस, जमेनाई, पाइसिस, फोर जो डुअल साइन है एंड इवन कैंसर, तो ये पांच साइन आपके बात चार्ट में हेवी नज़र आ रही है, या फिर लग्न, या फिर मून साइन, या फिर सन साइन। लग्न, मून एंड सन साइन मुझे यहाँ पर डुअल साइन में हो सकती है, कोई एक डुअल साइन में या फिर तीनों की तीनों ही डुअल साइन। टू फेस यू हैव माई डियर, वाई आई एम सेइंग दिस राइट माई डियर। ये जो कार्ड है ना, डिजर्ट प्रिंट, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस, माई डियर, यहाँ पर एक डिजर्ट एनर्जी है, बट यहाँ पर पानी दिखाई दे रही है, ये पानी झूठा है माई डियर। एक्चुअली डिजर्ट में पानी जैसे एक इल्यूशन है, राइट? हम पानी की तलाश में ढूंढते हैं, पानी को ढूंढते हैं डिजर्ट एरिया में, वो मिल जाए तो जैसे वो ईश्वर दर्शन हो जाए। डिजर्ट में जो पर्सन रहते हैं उनको पता है कि पानी कितना ज़रूरत है हम सब के लाइफ में, तो ये एनर्जी फॉल्स है माय डियर। यू हैव ए टू फेस माय डियर एंड समटाइम, क्योंकि आपकी एंड कार्ड डिसिप्लिन, आर्मर एंड बाउंड्रीज आई है माय डियर, तो डेफिनेटली आपकी जो चेहरा है, जो लोग आपको सामने से देखते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी एंड एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है माय डियर, आई फील, एंड काफ़ी चूजी पर्सन है माय डियर। आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, लोग देखते हैं इस एनर्जी को, मेटल किंग एनर्जी में, जो सैटर्न एनर्जी है कि बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में, एक रूटीन है, 24 आवर्स एक परफेक्ट रूटीन है, सब कुछ ठीक ठाक है। बट ये जो बीचों बीच एनर्जी आई है माय डियर, दिस इज़ योर ट्रू सेल्फ, जो लाइट ऑफ होती है एंड यू आर इन दिस एनर्जी, रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचर मूवमेंट। आपके लाइफ में अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप उनको सामने से दिखाएंगे, आई एम ओके, डोंट वरी, आई एम रियली ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रिलीज नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं एक वाटरी एनर्जी भी आ रही है आप में कि आप होल्ड करके रखते हो। एंड सर्वाइवल की एनर्जी आ रही माई डियर, डिजर्ट जो जर्नी है कैमल को, पर्टिकुलरली कैमल हम देखते हैं डिजर्ट में, काफ़ी तकलीफ होती है, राइट? क्योंकि बूंद बूंद पानी भी उस जगह पर मिलना ईश्वर दर्शन के जैसे है माय डियर। तो सर्वाइवल, जैसे हर चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल करते हो बट एंड लोगों के सामने दिखाते हो कि आई एम ओके, बट यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके माई डियर, बिकॉज जब लाइट ऑफ होती है तब आंसू बहाने की एनर्जी है, बट जब लोगों के सामने आप होते, दिस इज़ अ मेटल किंग,
इट्स लाइक ए सैटर्न एनर्जी कि मुझ में कोई इमोशंस नहीं है, आई एम लाइक ए डिजर्ट एनर्जी, बट अंदर या अंदर दिस इज़ द रिवर क्वीन एनर्जी। आपको पता है कि आप क्या हैं। जब आप अंधेरे में होते हैं, आपको अपनी शैडो सेल्फ, आपकी जो एक्चुअल ट्रू सेल्फ है हमारी, वो आप रिवील करते हो। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बट ह्यूज सर्वाइवल जो एनर्जी है माय डियर, एक वॉरियर की एनर्जी है आप में। अगर मैं हिडन पोटेंशियल की आप में बात करूँ तो दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, एक पॉजिटिव जो एक वॉरियर एनर्जी है कि छोड़ेंगे नहीं, मुझे मैं एंड तक देखूंगी कि ये सिचुएशन कहाँ तक जाए। अगर आप जॉब फील्ड में है, करियर के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप देखना चाहते हो कि एंड में कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर मिलेगा। लोगों के सामने आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट कहीं ना कहीं लाइट जब ऑफ होती है, एक कॉन्फिडेंस लूज़ होती है माय डियर। मुझे लगता है कि रात के अंदर में आपको डर भी लगता है कभी कभी, या फिर नाइट मेयर का प्रॉब्लम है, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। बट कॉन्फिडेंस की कमी होती है माय डियर बीचों बीच, एंड एक कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर जाती है। दूसरी, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जो फॉल्स प्रॉमिस कीपर एनर्जी है, उन्होंने भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है आपके लाइफ में, बट आप टूटने वाले एनर्जी नहीं हो माय डियर। काफ़ी ज़िद्दी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है विद दिस मेटल किंग एनर्जी, काफ़ी जिद है आप में कि मैं एंड तक देखूंगी, तब जाकर मैं हार मानूंगी, अदरवाइज नहीं। ये वो एनर्जी है। सी, दिस इज़ द लवर एंड दिस इज़ द हर्मेट। ओ, चिल्लाने की आवाज़ है माय डियर, चिल्लाना, हर्मेट एनर्जी। बस कभी कभी अकेलेपन से भी आप जैसे वो एम्प्टीनेस भी चुप रहा है माय डियर, बट यहाँ पर नाइट टाइम काफ़ी आ रही है माय डियर। दिस इज़ द हर्मेट एनर्जी, वर्गो एनर्जी, एंड पर्टिकुलरली मैं नाइट टाइम की बात करी, जब लाइट ऑफ हो जाती है यू आर इन दिस एनर्जी, बट जब ऑन होती है रोशनी में यू आर लवर। ये वो एनर्जी है माई डियर। एंड ऑफ द डे में आपकी एनर्जी एक आइसोलेट, आप अपनी एनर्जी को आइसोलेट कर लेती हो, अलग कर लेती हो पूरी तरह से। जैसे बहुत लोगों के सामने आप हेलो हाय ओके बाय तो कर रही हो माई डियर, बट कितनी लोग आपसे कनेक्ट हो पा रही है, बहुत कम लोग ही कनेक्ट हो पाते हैं आपकी एनर्जी के साथ माई डियर। एंड दूसरी, हर्मिट एनर्जी स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है माय डियर। हो सकता है कि आप में एक अजीब सा एक ऑरा है माय डियर, आगे जाकर यही हिडन पोटेंशियल आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएंगे। एंड दूसरी, कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी हो जाती है माय डियर, एंड रात में जैसे चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाने की जैसे एक डीप डाउन आप जाते, कोई भी सिचुएशन को आप अपर सर्फेस में नहीं देखते, जैसे पूरे 360 डिग्री घूम कर आप पूरे स्टोरी को देखोगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कोई आपकी कान पे आकर कह दिया, आपने यकीन कर लिया, ऐसे एनर्जी मुझे लग नहीं रहा, बट कन्फ्यूज्ड एनर्जी माई डियर। इस कन्फ्यूजन को दूर करना होगा, यही पोटेंशियल आपको हायर लेवल तक लेकर जा सकती है, बट यही हिडन पोटेंशियल आपको इस डेजर्ट तक भी लेकर आ सकती है। तो अपनी कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए। एंड कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो एनर्जी है माय डियर मेटल किंग, इस एनर्जी को होल्ड कीजिए, क्योंकि आप में ये पोटेंशियल है ऑलरेडी, जो आप लोगों के सामने दिखा दे कॉन्फिडेंट, तो इस एनर्जी को और भी बढ़ाना होगा। यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल माय डियर। चलिए मैं देखती हूँ आपके प्रेजेंट कार्ड। थैंक यू। धर्म से काफ़ी लगाव है माय डियर आपका, धर्म से, वो हर्मेट की एनर्जी, माला जपना, मंत्र साधना करना, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। जीवन को आपने देखा है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। रूप नंबर 1 की प्रेजेंट कार्ड, थैंक यू। प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मून, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। स्ट्रेंथ एनर्जी, यस यस। ओवरकमिंग समथिंग माय डियर, कुछ ना कुछ ओवरकम आप कर रही हो लाइफ में, हील हो रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ कार्ड आई है तो विपरीत परिस्थिति, तो डेजर्ट एनर्जी तो डेफिनेटली है माय डियर। फॉल्स प्रॉमिस कीपर एनर्जी, ऐसे कुछ झूठे लोग, ऐसे जो दिखाते हैं, एक मार्क्स की एनर्जी भी है आपके लाइफ में, कुछ ऐसे लोग भी। आपकी तो टू फेस है ही, बट आपके ऑरा में भी ऐसे कुछ पर्सन है जो टू फेस लेकर घूम रहे हैं माय डियर। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही कुछ हार्टेक आपको मिली है, बट धीरे 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 आप ओवरकम कर रहे हो माय डियर। स्ट्रेंथ एनर्जी, थैंक यू। एंड ह्यूज लियो एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट ग्रुप नंबर 1, आई फील ह्यूज लियो एनर्जी। सन एनर्जी, सन दिग्बली हो सकती है, आपकी बातचीत में सदबल में बली हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू।
One time more. Thank you, Spirit. Thank you. High Priestess. Yes, this is the energy. जो बिल्कुल जैसे क्राउन चक्र में डाउनलोड्स हो रहे हैं, माई डियर. लॉट ऑफ डाउनलोड्स, लॉट ऑफ साइंस यू आर सीइंग नाउ. ये वो एनर्जी है माई डियर. हाई प्रिस्टेस हायर स्टडीज़ की भी बात करती है, हायर नॉलेज की बात करती है. बुक्स के साथ जोड़ना अपने आप को. एंड पर्टिकुलरली ये जो एनर्जी गई है ना आपकी, कुछ ना कुछ हील हुई है. पास्ट हार्टेक हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों को आपने कट की है लाइफ में. एक हेल्दी बाउंड्री आपने लगाई है बिकॉज ऑफ बाउंड्रीज एनर्जी. उसके वजह से जैसे थोड़ी सी एक शांति आपको मिल रही है माय डियर. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. एक हाई स्टडीज़ मुझे नज़र आ रही है. आप चाहते हैं करियर ग्रोथ, नॉलेज आप बढ़ा रही हो माय डियर. वो धर्म से जुड़ी हो या फिर अपनी करियर जॉब से जुड़ी हो माय डियर, जैसे नॉलेज आपकी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा. वन मोर कार्ड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ह्यूज पाइसिस एंड लियो एनर्जी. ओह द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल. तो फर्टिलिटी के लेकर कोई कोशिश चल रही है माई डियर. यहाँ पर पैरेंट सूट की भी एनर्जी आ रही है. एंड दूसरी तमन्ना माई डियर, यहाँ पर मुझे विश नज़र आ रही है. जैसे आप विश मांग रही हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रही हो. एंड दिस इज़ द ह्यूज प्रेजेंट कार्ड माई डियर. प्रेजेंट एनर्जी में तीनों मेजर अर्कन आई है. एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है. माय डियर आपकी प्रेजेंट मोमेंट मुझे काफ़ी खिला हुआ नज़र आ रही है, क्योंकि आप हील कर. जब तक आप स्ट्रेंथ एनर्जी में हो, धीरे धीरे हाई प्रिस्टेस विद दिस एम्प्रेस एनर्जी. ए वर्जिन से लेकर एक रिलेशनशिप में जाने की भी एनर्जी विद दिस एम्प्रेस. ए कार्ड वर्जिनिटी को दिखाती है, बट ए कार्ड एम्प्रेस रिलेशनशिप में जाने वाली एनर्जी है. स्टेटस का चेंज होने वाली एनर्जी है. एंड ह्यूज अबंडेंस की भी बात करते हैं. ये जो गर्भ में जो पल रही है माय डियर, पृथ्वी है. एक न्यू बर्थ की बात करते हैं. एंड पर्टिकुलरली नंबर 3 एनर्जी जेमिनी मर्करी एनर्जी. सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए, बट लॉट ऑफ डाउनलोड्स हियर माय डियर. ओके चलिए देखते हैं. बट अगेन प्रेजेंट मोमेंट में एक सूखापन है माय डियर. किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एक सूखापन तो है. चलिए देखते हैं. कुछ हार्टेक आपकी है बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड आपकी फर्स्ट कार्ड में आई है. मैं देखना चाहती हूँ फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1. थैंक यू. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू, थैंक यू. टू ऑफ कप्स. थैंक यू. यू हैव ए डिवाइन काउंटर पार्ट. यू हैव ए सोलमेट माय डियर. आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में मुझे एक डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रही है. थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. किसी के लिए पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती है, बट मेजोरिटी मुझे यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रही है. किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी. थैंक यू. डिसिप्लिन की बात करते हैं. एंड यू हैव ए ह्यूज सैटर्न एनर्जी माय डियर. जैसे जो आज आपकी जो बिगड़ी हुई है माय डियर, जहाँ पर एक डिजर्व एनर्जी है, किंग ऑफ शॉर्ट्स बता रही है कि जो डुअल मोड है वो धीरे धीरे अलाइंट हो रही है. एक सिंगल मोड पे आना. किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट. एस ऑफ पेंटेकल्स. वाओ, वी हैव ए ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड विथ बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वांड्स की एनर्जी. जो एक ट्रेवल की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है. एक न्यू बिगिनिंग्स होगी माय डियर. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एनर्जी शिफ्ट होगी विद दिस एट ऑफ वांड्स एनर्जी. एनर्जी का शिफ्ट होना हो सकता है, या फिर आप घर परिवर्तन कर सकते हैं, रिलोकेट करना हो सकता है. आप ट्रैवल करो, एब्रॉड जाओ, या फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है. बट फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स है माय डियर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी एनर्जी अलाइंट होगी. जो अभी डुअल मोड में आप जगलिंग कर रही हो वो अलाइंट होगी. एंड यू हैव ए डिफाइंड काउंटर पार्ट. लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है माय डियर. लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन हो सकती है और आप ट्रैवल करो, ये वो एनर्जी. या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी और ट्रैवल कर कोई आ रही है माय डियर. बट एनर्जी में एक अलाइंट हो रही है एनर्जी. बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है माय डियर. लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए और क्या है. ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं. ग्रुप नंबर 1. थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू. फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या ब्लेसिंग्स हैं. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. थैंक यू. यू हैव ए ह्यूज ह्यूज ब्लेसिंग्स माय डियर. थैंक यू, थैंक यू. यस, डोर टू स्पिरिट. मैं आपको तो बोल रही थी कि इस ए एनर्जी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगा धीरे धीरे.
थैंक यू, वन मोर कार्ड, थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर वन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंड अप्रिशिएशन, प्रमोशन, लोगों की नजर में आना माय डियर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना, अप्रिशिएशन, लोग कंप्लीमेंट करें, लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बने, ये वो एनर्जी आ रही है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हीलर की एनर्जी आ रही है, हीलर की एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट आगे जाकर हो सकते हैं आपकी पर्पस हो सकते हैं, लोग एक मेंटर गाइड की भी एनर्जी आ रही है आपकी एनर्जी ऑरा से। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर वन, थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर वन, थैंक यू थैंक यू। एप्रिशिएशन है माय डियर, जो लोग आज ताने दे रही हैं, जैसे आप लाइम लाइट में आने जा रही हूँ माय डियर, मुझे यहाँ पर बहुत सन की एनर्जी वाइब्स आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू, ओके थैंक यू। ग्रुप नंबर वन फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन माय डियर, जो आप में हिडन पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करना है, एंड पर्टिकुलरली जो एक्चुअल में आप अंधेरे में रहती हो ना माय डियर, वो कहीं ना आपकी पोटेंशियल को भी सप्रेस कर रही है माय डियर, तो हो सके तो उसको थोड़ी आपको सैडो वर्क भी आपको करना है, क्योंकि एक्सप्रेशन की एनर्जी आ रही है, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ पर्पज में। एंड दूसरी है टू बैक आई सीज एनर्जी, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड माय डियर, तो कॉन्फिडेंस आ रही है, जिसके लेकर मैं इतने टाइम से बोल रही थी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, गैदर स्ट्रेंथ है आपकी, हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए काफ़ी मेंटली वो आपको सपोर्ट करे, तो हो सके तो इस जो अंधेरा है उस सब निकल रही हूँ। एंड एक्सप्रेशन आ रही है माय डियर, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लाइफ जर्नी में। ओके लेट्स सी कुछ चक्र मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू आपके फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, थैंक यू। आप अंधेरे से, उस केज मोमेंट से निकल रहे हो माय डियर, रोशनी आ रही है आपके लाइफ में आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन, थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके दिस इज जर्नी, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू एंजॉय द जर्नी, लेट गो ऑफ द आउटकम। तो ये कार्ड मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ माय डियर, लाइफ पर्पस आपकी बहुत बड़ी है, लेट गो ऑफ द आउटकम, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा मत सोचिए, हर पल को एंजॉय कीजिए माय डियर, हर पल को, एंड धीरे 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 आप इस फ्यूचर जो रिपोर्ट कार्ड में आई है वो आपके लाइफ में होंगे माय डियर। ओके सैक्रल चक्र यहाँ पर आ रही है, सैक्रल चक्र एक्टिव होगी, जो ड्राइनेस है, जो पैशन ख़त्म हो गई है, वो फिर से आपके लाइफ में आएंगे। थैंक यू, वन मोर कार्ड, थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट। यस दिस इज़ द मेडिटेशन टू सी मोर क्लियरली, क्लोज योर आइज माय डियर। एंड हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी यहाँ पर आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड पे आई थी, सी दिस कार्ड, क्लोज योर आइज। सो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिट के साथ कनेक्शन बढ़ा ही माय डियर, बिकॉज यू हैव दिस पोटेंशियल, कि स्पिरिट के साथ कनेक्शन होने का एक ऑरा, आप में एक अलग ऑरा है माय डियर, बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे स्पिरिट के साथ, अपने आप को जोड़ना होगा थ्रू मेडिटेशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज हार्मनी मेक्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ स्वीटर, हार्मनी लव बैलेंस आपकी फ्यूचर में है माय डियर, स्टे ब्लेस्ड एंड अपनी जो एनर्जी ऑरा है उसको क्लियर कीजिए माय डियर। ओके थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप टू, वेलकम, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जर्नी की प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड एंड हिडन पोटेंशियल। ओके आपने इन्फिनिटी सिंबल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले मैं पोटेंशियल देखती हूँ, थैंक यू। हिडन पोटेंशियल, हम सब में पोटेंशियल होती है, एंड एक पोटेंशियल है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, बट हिडन पोटेंशियल वो कभी कभी सप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी हमें पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं, कभी कभी हमें नेगेटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। चलिए देखते हैं आपके लाइफ की हिडन पोटेंशियल, आपकी हिडन पोटेंशियल। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके थैंक यू स्पिरिट। डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ थ्रू प्रॉस्पेरिटी नंबर सिक्स। सन डांसर्स, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस नंबर 32। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। एंड गायस गार्डन, वाव, फ्रूटिशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू शो, नंबर 18। यू हैव टू टाइम्स अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कार्ड,
ब्यूटीफुल एनर्जी माई डियर। हिडन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, यू आर ए गुड मैनिफेस्टर माई डियर, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू आर लाइक ए मैग्नेट फॉर मनी। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, आपने जब जन्म लिया होगा, मेजोरिटी मुझे नज़र आ रही है, आपके परिवार की हालत शायद उतनी अच्छी नहीं थी। आपके जन्म के बाद से ही जैसे आपके कदम से परिवार में थोड़ी, अगर मैं मैटेरियल वेल्थ की बात करूँ तो मुझे थोड़ी जैसे बढ़ता हुआ नज़र आ रही है। माय डियर, एक लक्ष्मी होते हैं, एक पुरुष भी लक्ष्मी हो सकती है, एक स्त्री भी। लक्ष्मी कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर। लक्ष्मी का मतलब धन, अबंडेंस। तो कहते हैं ना कि पुरुष लक्ष्मी, एक लक्ष्मी पुरुष है, ऐसे भी कहा जाता है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर। तो जैसे आपका आगमन, आपका जन्म जैसे धन आगमन है माय डियर, आपका कदम धन आगमन करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी ही, आप में एक चाहत है, मैं एक लविश लाइफ लीड करूँगी लाइफ टाइम में। तो ये एक पोटेंशियल से भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, एक चाहत है, डिज़ायर है। सबकी चाहत हो सकती है माय डियर। आप कहेंगे कि ये तो सभी की चाहत है। नहीं माय डियर, सभी की चाहत लविश लाइफ लीड करूँगी ऐसी सभी की चाहत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए, बस इतना ही भगवान दे, बस इतना ही काफ़ी है। बट आपके लिए भरपूर मात्रा में चाहिए, आपकी इच्छा है कि मैं लाइफ को फुल्ली इन्जॉय करूँ। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। दूसरी है ड्रीम, ड्रीम की एनर्जी। वेनस एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। वेनस एंड मार्स कंजंक्शन, वेनस एंड मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट, वेनस एंड म्यूचुअल एस्पेक्ट और कंजंक्शन। माय डियर, वेनस एक स्त्री तत्व है एंड गायस गार्डियन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है जो फीमेल। तो यहाँ पर जैसे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना या फिर सोचना नाइट टाइम पीरियड में। एंड दूसरी सन डांसर, कॉन्फिडेंस। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन कि जब म्यूजिक, अगर मैं टेस्ट, म्यूज़िक की टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोग पॉप म्यूज़िक सुनते हैं एकदम मतलब फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, कुछ बहुत ही मिलान करने ट्यून में सॉन्ग सुनते हैं। बट यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन, आप गाना भी सुनेंगे तो उसमें डांस हो, मस्ती हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। क्रिएटिविटी को लेकर आप मतलब प्रैक्टिस भी करते हो या फिर आपको पसंद है म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, क्राफ्ट, ऐसे चीज़ें जो हाथ से बनाई हुई, मतलब फेंके हुए चीज़ से भी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बना सकते हो। यू हैव सच अ टाइप ऑफ पोटेंशियल। एंड आपकी स्पर्स में जो आएंगे माय डियर, एक सुकून सा महसूस होगी उस पर्सन को। आई डोंट नो व्हाई, किसी ने आपको कहा है या नहीं, बट आपकी ऑरा मुझे बहुत सूदिंग विद दिस गायस गार्डन सन डांसर, काफ़ी सूदिंग एनर्जी आ रही माय डियर। मुझे लिटरली लक्ष्मी, चंद्र एंड मून का लक्ष्मी योग नज़र आ रही है। चंद्र एंड मार्स एनर्जी, सॉरी, चंद्र एंड मून एंड मार्स का कंजंक्शन से कभी कभी लक्ष्मी योग या फिर केंद्र में होती है लक्ष्मी योग, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है माय डियर। धन आगमन जैसे आपके हाथ से है एंड पर्टिकुलरली यू हैव ए पोटेंशियल, आप लाइफ टाइम में काफ़ी धन क्रिएट करेंगे माय डियर, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लियो एनर्जी, वेनस एनर्जी, मैं साइन की बात नहीं कर रही माय डियर, बट प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे सन, वेनस, मरकरी, ऐसे प्लैनेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट हाउस को ये ऑक्यूपाई करके रखा है, ऐसी एनर्जी आ रही माय डियर। आदि योगा, यस, आदि योगा जो वेनस, जुपिटर, मरकरी से बनते हैं, आदि योगा, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, ऐसे आदि योगा मार्स 10th हाउस में, ऐसे पर्सन अगर किसी भी घर में जन्म ले, पंख में जन्म लेने वाले भी वो कोमल के जैसे निखरते हैं, ये वो पायल हैं। थैंक यू। लेट्स सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। डोंट केयर, आई डोंट केयर, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैनी हैंड्स, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। एंड दिस इज एट ऑफ कप्स एनर्जी। व्हाट इज दिस एनर्जी विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी? अगर तुम मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हो, मेरी डिग्निटी को तुम मेंटेन नहीं करते हो, रेस्पेक्ट मुझे नहीं करते हो, तो तुम मुझे नहीं चाहिए, चाहे जितना भी प्यार क्यों ना हो। यू आर सच अ टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी माई, यू आर हिडन पोटेंशियल। एक अपनी ऑरा को मेंटेन करना, अगर तुम सामने वाले मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो मैं भी रेस्पेक्ट तुम्हें नहीं दूंगी। जितना रेस्पेक्ट मैं डिज़र्व करती हूँ दो, अदरवाइज जाओ, नहीं चाहिए तुम, नहीं चाहिए, चाहे वो जितना भी क्रश हो, चाहे जितना भी इंटेंस फीलिंग्स की हो, आपके लिए आपका डिग्निटी, आपका सम्मान सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस कम नज़र आ रही माय डियर, बट एप जो पायल है बहुत ही मुझे यहाँ पर
अरीज लियो वाइब्स भी आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी स्टेबन एनर्जी भी नज़र आ रही है एंड कहीं ना कहीं आप लेट गो कर देते हो। चलो तुम मतलब लेट गो करने के बहुत इजीली, अगर बन नहीं रहा बात चलो जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, चैप्टर को क्लोज करो एंड नेक्स्ट चैप्टर में मैं जाऊँगी। तो ये वो एनर्जी है माय डियर, जैसे डेस्टिनी मेकर एनर्जी है। ओके लेट्स सी योर प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू थैंक यू। ग्रुप नंबर टू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू की प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू थैंक यू। ग्रुप नंबर टू की प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। यस नाइट ऑफ वांड्स, ये एक्चुअली तो नाइट ऑफ वांड्स है बट पीछे मुझे फोर ऑफ वांड्स नज़र आ रही है। फोर ऑफ वांड्स मस्ती में झूमने की एनर्जी है माय डियर। मैं आपको बोल रहा म्यूज़िक भी ऐसे सुनूंगी जहाँ पर सुर हो, मतलब यू नो मेलनकली ट्यून नहीं। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है उसके बाद भी म्यूज़िक सुनकर अगर रोना पड़े तो ये आपको पसंद नहीं है। क्यों ना कहीं आप कॉमेडी मूवी देखना भी बहुत पसंद करती हो। अपने एनर्जी को आप हमेशा चाहते हो कि मैं एनर्जी को लाइटन करूँ, भार को ख़त्म करूँ लाइफ में, चैप्टर को क्लोज करूँ, बस हो गया चलो। अगर नहीं बात बन रही है तो चलो जाओ यहाँ से, मुझे कोई और मिल जाएगा। तो ये वो एनर्जी है। थैंक यू थैंक यू। मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस। थैंक यू थैंक यू। जस्टिस यस, आप मुझे लगता है आप शैडो वर्क भी कर रहे हो माय डियर। नंबर यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर फेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्टिस के जो कार्ड है यहाँ पर, जैसे शैडो वर्क आप कर रहे हो माय डियर एंड इसी वजह से आप में वो कॉन्फिडेंस है माय डियर। बैलेंस आप क्रिएट करते हो माय डियर हमेशा लोगों के, मतलब लोगों के सामने एटलीस्ट आप क्वीन ऑफ वांड्स किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहते हो, झूमने वाली एनर्जी है। बस थोड़ी डुअल मूड भी कभी कभी हो जाती है जब आप अकेले रहते हो माय डियर, थोड़ी वो चाहत वो अकेलापन वो एम्प्टीनेस है बट बहुत ज़्यादा हावी नहीं होती आप पर वो एनर्जी, जैसे ग्रुप वन पर मुझे नज़र आ रही थी आप पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगी ये वो एनर्जी। हो सकते लिटरली आप जस्टिस सिस्टम के साथ आप काम कर रही हो या फिर आपके लाइफ में कोई लीगल इशू वगैरह चल रही है, ये प्रैक्टिकल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं माय डियर। बट प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस को बात बताती है, जैसे आपको जस्टिस चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, तो ये वो स्टेटमेंट है। नाइट ऑफ वांड्स कह रही है आई वांट जस्टिस। ओके लेट्स सी। थैंक यू थैंक यू। वन मोर कार्ड स्पिरिट। थैंक यू वन मोर कार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ माय गॉड दिस इज़ फोर ऑफ वांड्स, एक्चुअली दिस इज़ नाइट ऑफ वांड्स। तो मैरिज यहाँ पर प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड में आ रही है माय डियर। फोर ऑफ वांड्स से मैरिज नहीं, मस्ती में झूमने की एनर्जी है माय डियर। मस्ती में बर्थडे पार्टी फंक्शन सेलिब्रेशन, मस्ती में झूमने की एनर्जी है माय डियर। एनर्जी को लाइटन कीजिए। अगर आप प्रेजेंट ऑरा में ये जो प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड आपकी आई है वो धीरे 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 आपकी एनर्जी में आएंगे बट स्टिल मुझे नज़र आ रही है मस्ती में झूमने की एनर्जी है। मैरिज तय हो रही, एंगेजमेंट अनाउंसमेंट ऐसी एनर्जी आ रही है, झूमने की एनर्जी है माय डियर। दिस इज सिक्स ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड यू हैव ए ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी। मुझे प्रेजेंट कार्ड रिपोर्ट कार्ड भी आपकी बहुत पॉजिटिव। सिक्स ऑफ वांड्स अपनी विजय यात्रा, विजय की घोषणा करना, आई एम हियर कि मैं इस दुनिया में हूँ, मेरी एक एग्जिस्टेंस है, मेरी एक आइडेंटिटी है, वो प्रूफ करना, दैट इज़ द एनर्जी माय डियर। कोई अगर आपको छोट मतलब थोड़ी सी भी चोट पहुँचा रही है ना तो आप पलट कर उसको जवाब देने वाला एनर्जी है, छोड़ेंगे नहीं, ये वो एनर्जी है माय डियर। असर्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड डेफिनेटली फोर ऑफ वांड्स एक घर की भी बात करते हैं माय डियर। घर बनना, चार दीवारें बनना, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपकी प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड में। आप सोच रहे हो स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर सोचना, फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी एंड कहीं ना कहीं जस्टिस आ रही है आपके लाइफ में माय डियर। बैलेंस जस्टिस आ रही है। चलिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड देखते हैं आपकी। थैंक यू। आपकी तो प्रेजेंट कार्ड इतनी पॉजिटिव है माय डियर। थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू मुझे लगता है प्रेजेंट मून में शनिदेव का कोई महादशा दशा प्रत्यंतर कुछ ऐसे जारी है आपकी, बट शनि हो सकती है, शनिदेव हो सकती है। अभी अगर जारी है तो योग कारक है आपके लिए। थैंक यू
कभी कभी क्या होता है, शनिदेव की लंबी महादशा होती है तो आते ही ये फल नहीं देते। शनिदेव, गुरु एंड वेनस, ये तीनों ऐसे प्लैनेट हैं जो डीले में इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर टू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ माई गॉडनेस, दिस इज अ स्ट्रेंथ एनर्जी, थैंक यू। ओवरकम करना, सिचुएशन जो भी हुआ है माई डियर, वो धीरे 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 आप ओवरकम करें उसे। एक हीलर की एनर्जी आ रही है माई डियर, हीलर, मेंटर, गाइड की एनर्जी आ रही है। जैसे स्थिति विपरीत चल रही थी तो वो भी, जो जस्टिस एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, स्थिति विपरीत चल रही थी तो वो भी आप ओवरकम करिए सिचुएशन से। हेल्थ रिगार्डिंग इशू भी चल रही है तो वो भी आप ओवरकम करें विद दिस क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, फर्टिलिटी एज वेल एज अबंडेंस माई डियर। प्रॉमिस है, एक फ्यूचर को लेकर जैसे ही एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। यस यस, दिस इज एस ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटेकल्स ग्रोथ की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, जो तैयारी में आज अब लगे हो। थ्री ऑफ पेंटेकल्स एक तैयारी की बात करते हैं, जो बेस में है। मान लीजिए घर बन रही है तो हम ग्राउंड फ्लोर में, हमें जाना कहाँ है, हमें फिफ्थ फ्लोर, जो हमारी टॉप फ्लोर है वो हमारी फिफ्थ फ्लोर है, हम फिफ्थ फ्लोर में जाएंगे। तो हो सकता है कि अभी आप ग्राउंड फ्लोर में हैं बट जाना है आपको फिफ्थ फ्लोर में। दिस इज योर डेस्टिनी। सो ये बन रही माय डियर, ये प्रोग्रेस की बात है। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटेकल, दिस इज अ न्यू डोर, जैकपॉट कार्ड। ये पेंटेकल जो है वो आ रही है, वो स्प्रिट आपको लेकर दे रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर। बड़ी पद हो सकती है बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, बट ह्यूज अबंडेंस को दिखा रही है। आपने चूज तो किया है इन्फिनिटी सिंबल, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, एंड मैं शुरू से आपको कह रही हूँ एंड आपके सामने मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर एंड मैग्नेट फॉर मनी। यस, यू आर मैग्नेट फॉर मनी माई डियर। एंड टेन ऑफ कप्स एनर्जी, 10 and 1, 10, 0, 1, 10, 10, ऐसे नंबर आपको दिखाई दे सकती माई डियर। ओके, बट दिस इज़ अ पीस, ये सुकून राहत की कार्ड है माई डियर। आहा मोमेंट, फैमिली के साथ एक वैकेशन टूर, ट्रैवल, रिलोकेशन मुझे नज़र आ रही, शिफ्टिंग हो सकती है, रोमांटिक टूर, ट्रैवल हो सकती है, फैमिली बन रही है माई डियर। फर्टिलिटी हो सकती है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एंड टेन ऑफ कप्स एनर्जी, फर्टिलिटी रिगार्डिंग, बिकॉज पैशन है इस जगह पर, ह्यूज पैशन है, कंट्रोल्ड पैशन है। एंड विद दिस टेन ऑफ कप्स फैमिली कंप्लीट हुई विद दिस ब्लेसिंग्स, ह्यूज रेनबो ब्लेसिंग्स हियर। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। क्या मैसेजेस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओह, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वाह, दिल धड़क रही है माय डियर, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, तो ऐसे एनर्जी नज़र आ रही मुझे। मुझे लग रहा है आप वेट कर रहे हो किसी परफेक्ट मैच के लिए। ओके, थैंक यू। वन मोर कार्ड स्पिरिट, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल ऑफ लव, एक तो अबंडेंस से ऊपर से इतनी सारे लव है, मतलब आपकी तो ग्रुप नंबर टू, यू आर सो सो लकी माय डियर। एंड कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस्ड, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी माय डियर, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड अब लीगल इशू भी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में चला है, या फिर जस्टिस, यू आर अ वेरी जस्टिस लवर पर्सन, बट मेजोरिटी दिस इज सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ की सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे पर्सन। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में प्रोमिनेंट है माय डियर, एंड लव प्रोमिनेंट है आपकी, जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, पैशन है ये पर्सन। डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपकी लाइफ में है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं माय डियर, क्योंकि एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप नंबर टू, थैंक यू, थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू, थैंक यू। जॉय, हैथोर, हैथोर की एनर्जी है, जॉय आ रही है माय डियर आपकी फ्यूचर में। रिपोर्ट कार्ड में जॉय है, हैप्पीनेस से बहुत पॉजिटिव। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, टू टाइम्स यू हैव आईसीज, स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आ रही है, जो आज शायद आपको नहीं मिल रही, बट मुझे नहीं लगता। आपके प्रेजेंट कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही थी। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस, चक्र से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर टू, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर टू, थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट,
थैंक यू. पीस इन स्टिलनेस द आंसर विल बी रिवेल्ड. क्राउन चक्र क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी है, तो पीस नज़र आ रही है माई डियर. एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन किस आपको करना है, एनर्जी को हील कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट एनर्जी भी हो वो भी सही नहीं है. तो एनर्जी को हील करना ज़रूरी है. बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पिए. मुझे लगता है आपकी बॉडी एलिमेंट्स में पर्टिकुलरली पानी हो सकते हैं, बहुत फायरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. तो जैसे वाटर एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. बट आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में पीस आ रही है, सुकून आ रही है विद दिस टेन ऑफ कप्स एनर्जी. थैंक यू. सेफ्टी, यू आर सिक्योर्ड माई डियर बाय योर गॉड, बाय योर स्पिरिट गाइड. रूट चक्र इन द हरिकेन ऑफ लाइफ, ए स्ट्रांग फाउंडेशन विल कीप यू सेफ. येस, हमेशा प्रोटेक्टेड है माई डियर अपनी स्पिरिट गाइड से, अपने एंसिस्टर से. एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ. ओ माई गॉड, यू हैव थ्री टाइम्स स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ कम फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बींग. येस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आ रही है. मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रही है, एक मेंटल फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. हेलो ग्रुप नंबर थ्री, वेलकम. आपने रेनबो हर्ट चूज़ किया है. चलिए देखते हैं आपकी हिडन पोटेंशियल एंड आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड. ओके, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी. डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे डिटेल्स है. पहले मैं हिडन पोटेंशियल देखूंगी माय डियर. पोटेंशियल, पोटेंशियल हम सब में है माय डियर. एंड कुछ पोटेंशियल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, हम अर्निंग्स के लिए, जीविका के लिए. बट हिडन पोटेंशियल वो कभी कभी सप्रेस्ड हो जाती है लाइफ जर्नी में. कभी कभी यही हिडन पोटेंशियल कभी कभी पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाती है, कभी कभी नेगेटिविटी की ओर लेकर जाती है. किस तरह से, क्या पोटेंशियल है एंड किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं माय डियर. चलिए मैं देखती हूँ हिडन पोटेंशियल. ओके, थैंक यू. चेस क्वीन, ट्रस्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग. ओके, थैंक यू. नंबर 30, विंड वाइज वॉन्ट्स, एंजेलिक हेल, मिराक्यूलस एट. नंबर 34, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस. नंबर 13, ये पाइल के लिए अगर मैं सिंगल स्टेटमेंट में कहूँ माई डियर, यू आर ए वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले एनर्जी आप हैं. कहीं ना कहीं आप दूसरे की एनर्जी के साथ बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो. द स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस. अगर आपके पास कोई दर्द लेकर आ रही है, कुछ अपनी स्टोरी बता रही है, अपनी लाइफ की कुछ स्टोरी आपको बता रही है, तो आप काफ़ी ध्यान से उसको सुनोगे. यू आर ए वेरी गुड लिसनर. स्पीकर से ज़्यादा मुझे यहाँ पर गुड लिसनर की एनर्जी, कि आप उसकी एनर्जी उनके जैसे जो आप वो फील करें, वो जो तकलीफ में है, उसको उस एनर्जी में आप जा सकते हो, अपनी एनर्जी को आप बदल सकते हो. जैसे आप में वो स्विच है माय डियर, कि जो सामने वाला वो तकलीफ लेकर आई है, आप वो फील कर पा रही हो. क्यों, आप अपनी एनर्जी को उस एनर्जी लेवल पर लेकर जा सकते हो. यू हैव दिस कैपेबिलिटी. एंड कहीं ना कहीं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत हैवी नज़र आ रही. कोई साइन हो सकता है आपकी प्लेसमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में कोई हैवी प्लैनेट है. स्वान क्वीन की एनर्जी आ रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर. कहीं ना कहीं एक ड्रीमी कैरेक्टर, इमेजिनेटिव एक एनर्जी, क्रिएटिव पर्सन. लिखना हो सकती है आपका, जैसे राइटिंग फील्ड, राइटर, पोएट, पेंटर, डांसर, म्यूजिक से जुड़ी एनर्जी, ऐसी एनर्जी हो सकती है माय डियर. अगेन मैं आपको कह रही हूँ, आपकी थर्ड आई चक्र आज नहीं हो सके, तो आपको लग रही है कि मेरी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं, मेरी साइकिक एबिलिटीज इतना स्ट्रांग तो है ही नहीं. आज नहीं है माय डियर. नंबर 30, नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करती है. एंड नंबर 7 भी यहाँ पर मौजूद है, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है. तो राहु एंड केतु, तो जीवन, लाइफ पर्पस, नॉर्थ नोड एंड दिस इज द साउथ नोड. सो डेफिनेटली जगह पर जैसे वो कंप्लीट हो रही है, आपकी लाइफ पर्पस बहुत बड़ी है माय डियर. एंड विद दिस 30 एनर्जी में मरकरी के साथ देखूंगी चेस क्वीन, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, कम्युनिकेशन, मुंह के शब्द के थ्रू से अर्निंग्स होना, ट्रस्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग. माय डियर चेस क्वीन क्या होती है, कि इनको पता है कब कैसे बिहेव करना है. बिकॉज लाइफ ने एक चेस क्वीन को, मैं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी जैसे मैं देखती हूँ, कि पता है कि बिहेव कैसे करना है सामने वालों से, बच्चों के सामने बच्चों के जैसे, बड़ों के सामने बड़ों के जैसे. एंड जो दर्द लेकर आई है, उस लेवल पे आप उसको हील कर रही हो, ये वो एनर्जी है. एंड यू आर लाइक ए अर्थ एंजल. कभी कभी पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं, गाइडेंस पूछते हैं, बहुत
छोटी उम्र की बच्चे भी, जैसे वो टीनेजर है, वो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते हैं मुझसे। आई एम शॉक्ड कि क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस 40 प्लस के ऊपर लोग लेते हैं, बट जब मैं मीडियम जो टीनेजर जब लेते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश होती हूँ कि इस जनरेशन में भी वो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को जानना है, कैसे मैं स्पिरिचुअल हूँ, कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी मेरी। यू आर सच अ टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत कम उम्र में ही जैसे वो स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अपने आप को जोड़ चुकी हो। एंड यू आर लाइक ए आर्थ एंजल, आपका तकदीर जुड़ी है इस कर्म में, एक हीलिंग डिपार्टमेंट में। एंड कहीं ना कहीं आपके कदम भी काफ़ी शुभ हो सकते हैं माय डियर। एंड पर्टिकुलरली मुझे नज़र आ रही है कि हीलर एनर्जी पर्पज़ है, वुंडेड हीलर एनर्जी बिकॉज ऑफ चेस क्वीन एनर्जी, वुंडेड हीलर की एनर्जी है माय डियर। एंड कहीं ना कहीं आप में, आप लोगों को ट्रस्ट करते हो माय डियर, बट प्रैक्टिकल अप्रोच भी आप लाइफ में रखते हो, मतलब हर चीज़ को आप डीप डाउन जाएंगे, डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद आप डिसीजन दोगे। ऐसा नहीं बस सामने वाले बोल दिए हमें बहुत उबर इमोशनल हो गया एंड यस बोल दिया, नहीं। मुझे यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री आपकी आसपास नज़र आ रही है। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड माय डियर, स्प्रिट गाइड एंसेस्टर्स आप हमेशा प्रोटेक्टेड है माय डियर, आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है, कोई हार्म नहीं कर सकता आपकी ऑरा को। कहते हैं ना कि नज़र लग जाते हैं, बहुत आप देखते होंगे कुछ बच्चे, मदर कहते हैं कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई, तो आप एक ऐसी एनर्जी है, नज़र नहीं लगेगी माय डियर। एंड कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है आपकी आपकी कोई कुल देव देवी या फिर कोई फीमेल एंसेस्टर जो एक्सपायर कर चुके हैं, आई डोंट नो हु इज़ द स्पिरिट गाइड, बट यू हैव ए स्पिरिट गाइड, इनविजिबल पावर जो हमेशा आपकी एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब बनते बनते, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आपके जैसे और आ रही है, जैसे कोई बचा लेती है, ये वो एनर्जी है माय डियर। लेट्स सी, मैं बोल ही जाऊंगी, बस रीडिंग छूट जाएगी मेरी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यस दिस इज़ द स्वान क्वीन एंड द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, टू ऑफ शोर्स एनर्जी एंड दिस इज़ द मैजिशियन। यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री में आप कन्फ्यूज थे। दूसरी बात माई डियर, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ह्यूज ह्यूज इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज, इस पर आपको काम करना चाहिए माई डियर। इस एनर्जी ऑरा को वेस्ट मत कीजिए, यू हैव दिस पावर, यू हैव ए हीलर एनर्जी माई डियर। टू ऑफ शोर्स एनर्जी, यू हैव अ ट्रस्ट इशू, यस डेफिनेटली यू हैव अ ट्रस्ट इशू माई डियर। कभी कभी डिसीजन लेने में आपको थोड़ी टाइम भी आप लगती है, क्योंकि डुअल साइन हो सकती है आपकी, पाइसेस सजेटेरियस जेमिनी कैंसर एनर्जी, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है, इवन चर राशि भी हो सकती है, 1, 4, 7, 10, तो ये चर राशि भी आपकी हो सकती है माय डियर। तो कभी कभी ये होती है ना कि डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, जब डुअल साइन बात चार में काफ़ी हेवी हो जाती है, बट यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर, मैजिशियन की एनर्जी 5D को 3D में आप लेकर आ सकते हो माय डियर, बस ट्रस्ट के साथ। एंड दिस इज द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, द पोटेंशियल यू हैव 5D, दिस इज़ अ ह्यूज 5D एनर्जी। यू आर लाइक ए स्टार सीड चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट एक आप यूनिक है माय डियर, यकीन मानिए ग्रुप नंबर 3 आप यूनिक है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप यकीन नहीं कर पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ एक्चुअल में, शायद मेरे शब्द भी काट रही है, बट यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ह्यूज पोटेंशियल आप है आप में, बट आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड एनर्जी भी है। थैंक यू। प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 3 की, प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3 की, प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3 की, प्रेजेंट रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। 8 of cups, अगेन वाटर एनर्जी, 8 of cups, पीछे मुड़कर आप जा तो रही हो माय डियर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर, बट कप्स अभी फुलफील है, तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ना जहाँ पर उम्मीद बनी थी, इच्छाएं बनी थी, डिज़ायर जुड़ी थी, बट उम्मीद पूरी नहीं हुई है। प्रेजेंट एनर्जी में मुझे हार्टेक नज़र आ रही है, लेट गो करने की एनर्जी आ रही है, सरेंडर करने की एनर्जी आ रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में जाना मदरलैंड को छोड़कर, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। 7 of swords, यस यू हैव दिस एनर्जी, आपके प्रेजेंट एनर्जी में 7 of swords एनर्जी। कुछ ऐसे पर्सन भी है जो पीठ पीछे यू नो वार करके चले जाते हैं और आप बस दर्द में हो,
ये वो एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर एक डिसेप्टिव एनर्जी आपकी है, बट वो लेट गो कर, उसको आप लेट गो करके जा रही हो। एक टॉक्सिसिटी थी डेफिनेटली। सेवन ऑफ सॉर्ट्स ये भी बात करते हैं, इनसिक्योरिटी की भी बात करते हैं माय डियर, कि इनसिक्योर रहना, क्योंकि वाटर साइन जब बहुत हैवी हो जाती है थोड़ी इनसिक्योरिटी ऐसे लोगों को फील भी होती है, बट तब तक जब तक थर्ड आई चक्रा ओपन ना हो, जब ओपन हो जाएगी तब ये सब कुछ चले जाएंगे, ये सब कुछ चले जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। बट कुछ कुछ लोगों के लिए डिसेप्टिव एनर्जी लाइफ में थी जो लेट गो आप कर रही हो, एंड दूसरे के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही इनसिक्योरिटी, जो आप उसके साथ साइड ऑफ वर्क करना, प्रेजेंट एनर्जी में मुझे लग रही है आपको साइड ऑफ वर्क करनी चाहिए। हम सब में इम्परफेक्शंस हैं, उस पर वर्क करना ज़रूरी है माय डियर, उससे भागना नहीं है, शैडो सेल्फ से कभी भी भागना नहीं है माय डियर। दादा मैं तो कहती हूँ कि शैडो सेल्फ को पहचानो, एंड उसके ऊपर जब आप वर्क करती हो वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेप है माय डियर। यस द लवर्स एनर्जी, यू हैव ए लवर्स माय डियर, यू हैव ए डिवाइन काउंटर पार्ट, बहुत जल्दी आ रही है माय डियर जब आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे। दिस इज द ह्यूज जेमिनी एनर्जी, जब आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास होगे। दिस इज द लवर्स एनर्जी माय डियर। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स की पास्ट हार्टेक है रिलेशनशिप में, प्रेजेंट कार्ड में मुझे नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन, यू हैव टू टाइम्स मैजिशियन, जो आपकी हिडन पोटेंशियल में मैजिशियन कार्ड आई थी, एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट कार्ड। तो मुझे मैजिशियन आपके फ्यूचर में होना चाहिए, दिस इज़ योर एक्चुअली हिडन पोटेंशियल, यू आर लाइक ए मैजिशियन माय डियर। इम्पॉसिबल जहाँ पर है उस जगह पर आप एक वे निकल सकते हो, एक वे आउट, एक जैसे संभव कर सकते हो, असंभव को संभव करने वाली एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हो कि मुझ में वो पोटेंशियल है जो मैं कह रही हूँ आपको अभी। तो प्रेजेंट कार्ड मुझे लग रही मैनिफेस्ट कीजिए, गुड पर्सन गुड एनर्जी को मैनिफेस्ट कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी शैडो वर्क कर रही है। शैडो वर्क करने के बाद ये मैजिशियन बना है माय डियर। मैजिशियन बनना इतना ईजी नहीं है, नंबर वन कार्ड है ये सन की एनर्जी, एंड दिस इज अ सिक्स ऑफ पेंटाकल। जब आप इस एनर्जी के साथ वर्क करेंगे सो डेफिनेटली यू हैव सिक्स ऑफ पेंटाकल एनर्जी माय डियर। कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में पॉज्ड है, हैंग्ड है, पूरी तरह से लाइफ में जैसे स्टकनेस है, या एक जगह पर चीज़ें बन नहीं रहा है, बट यहाँ पर जैसे स्प्रिट आपको कह रही है लेट गो कर दीजिए, ऐसी कुछ टॉक्सिसिटी है उस पर वर्क कीजिए एंड लेट गो कीजिए। एंड कुछ चीज़ों के लिए डेफिनेटली 5D एनर्जी सरेंडर करना, जो हो सकता है कि अब आपको लग रही है कि आगे जाकर मैरिज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है 8 of Cups, उम्मीद टूट रही है प्रेजेंट मोमेंट में, बट उम्मीद है माय डियर, उम्मीद है। थैंक यू, चलिए देखते हैं। थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3, थैंक यू वन टाइम मोर, थैंक यू स्पिरिट फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू थैंक यू स्पिरिट। टू ऑफ शॉर्ट्स आपकी हिडन पोटेंशियल पे भी आई थी माय डियर। इस एनर्जी पर वर्क करना होगा, इस पट्टी को खोलना होगा माय डियर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू 8 of Cups, आप बिल्कुल लेट गो करोगे माय डियर डेफिनेटली। जो भी कन्फ्यूजन थी आप फ्यूचर में, क्योंकि आपकी प्रेजेंट में 8 of Cups, फ्यूचर में 8 of Cups, एंड जो कन्फ्यूजन थी वो रिलीज हो रही है आपके लाइफ में। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर हो सकते हैं कि ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे, रिलोकेशन मुझे नज़र आ रही है, थैंक यू, या फिर ऐसी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, आपको कमिट में नहीं मिल रही है तो आप लेट गो करोगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यस डेथ एनर्जी, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक मेजर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में है। जब आप लेट गो करते हो, आप सरेंडर करते हो, उसी जगह पर डेथ एनर्जी को समझना होगा माय डियर। डेथ इज लाइक ए कोकन, से जब हम जो बटरफ्लाई होती है ना माय डियर, द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ईजी बट इनएविटेबल, वो होना ही है माय डियर, वो होगा ही, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आना है। आप इंडिपेंडेंट होंगे माय डियर, फाइनेंशियली इमोशनली। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यहाँ पर बहुत सैडो वर्क की एनर्जी आ रही है, बहुत। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट, थैंक यू। यू हैव ए डिवाइन काउंटर पार्ट माई डियर, यू हैव ए डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड दिस इज द एम्प्रेस, येस दिस इज अ सोलमेट एनर्जी माई डियर, डेफिनेटली दिस इज सोलमेट कनेक्शन, किंग ऑफ कप्स एंड दिस
एम्प्रेस एनर्जी मदरहुड को भी दिखा रही है, पेरेंटहुड को भी दिखा रही है, फर्टिलिटी को दिखा रही है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, मैरिज दिखाई दे रही है फॉर सम, जो आप सिंगल है आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि स्टेटस चेंज है माय डियर। तो कुछ ना कुछ आपको लेट गो करना है माय डियर। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड मुझे नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर में आने जा रही है, क्योंकि प्रेजेंट में भी उस पर वर्क चल रही है आपकी। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकती है आपके लिए, वो भी रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंड एज वेल एज अबंडेंस, एम्प्रेस एनर्जी प्रॉमिस है कि डेफिनेटली फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिस है अबंडेंस, एंड विद दिस इमोशनल फुलफिलमेंट, बिकॉज यू आर लाइक ए क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव ए किंग ऑफ कप्स। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, नहीं मैं साइन की बात कर रही हूँ माय डियर। योर एनर्जी इज लाइक ए क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव ए किंग ऑफ कप्स इन योर लाइफ फॉर एवर। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस मैं देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट, कुछ ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए क्या आ रही है, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू। यस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल योर स्पिरिट गाइड। सो डेफिनेटली फर्स्ट चक्र इज ऑल अबाउट बेस, हमारे घर, हमारे फाइनेंस, हमारे कैरियर, जो आपके लिए बिल्ड होगी माय डियर वो बनेंगे आपकी लाइफ में। फर्स्ट चक्र बेस बनना, आइडेंटिटी बनना, सेल्फ एग्जिस्टेंस क्रिएट होना, ये वो एनर्जी है माय डियर। एंड विद दिस एंड दोनों ही ये जो दो कार्ड आई है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, किंग एंड क्वीन, दिस आर एम्प्रेस एनर्जी डेफिनेटली, बट ये पेज नाइट एनर्जी नहीं है कि मच्योर है, दोनों ही किंग एंड क्वीन की एनर्जी में है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ह्यूज स्टेबिलिटी है आपकी फ्यूचर में। थैंक यू स्प्रे, थैंक यू। This is maybe this is your divine counterpart. Thank you spirit, thank you my spirit guide, thank you spirit guide ko thank you zarur kijiye. Strategy, two times you have a strategy energy, jo bhi 21 12 21, so jo bhi lifetime mein aap karenge my dear, aapko disha dikhane wale guidance aapko provide kiya jayega spirit guide ki aur se, ya fir through human beings. Yahan par ek compass mujhe nazar aa rahi hai jo disha dikhati hai my dear, एंड दूसरी है प्लानिंग मुझे नज़र आएगी, बहुत सारी प्लानिंग होगी, ब्लूप्रिंट होती है ना कुछ चीज़ को, प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले, तो आपके पास भी प्लान होगा माय डियर। एंड मैं यही सलाह दूंगी कि हर चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले एक प्रीव्यू देख लीजिए, प्लान कर लीजिए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आगे ये एनर्जी आपको एम्प्रेस तक लेकर जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आने जा रही है, पास्ट लाइफ लवर एनर्जी, दिस इज ह्यूज पास्ट लाइफ कार्ड, एज वेल एज जस्टिस सिस्टम के साथ काम करना, अगर कोई लीगल इशू भी चल रही थी यहाँ पर एक विजय हो सकती है माय डियर। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। थैंक यू ग्रुप नंबर 3, सम एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट वन मोर टाइम, थैंक यू फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू थैंक यू। इंडिविजुअलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक ऐसी ऑरा में आप जाने वाले हो माई डियर, जहाँ पर आपकी विद दिस फर्स्ट चक्रा बेस बनना। मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है कि आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, इस एक एग्जिस्टेंस मेरी क्रिएट हुई है, एक आइडेंटिटी मेरी क्रिएट हुई है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी माय डियर, इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिविजुअलिटी, आप में एक यूनिक क्वालिटीज़ है, जो हिडन पोटेंशियल है वो रिवील्ड होना, एंड कहीं ना कहीं उसको लेकर लोग अप्रिशिएट करेंगे, ये वो एनर्जी है माय डियर। वन मोर कार्ड, थैंक यू थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू। आपकी ऑरा यूनिक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी माय डियर, यूनिक ऑरा है आपकी। दिस इज़ कनेक्शन टू नेचर, ये ज़रूरत है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है कि नेचर के साथ आप कनेक्शन बढ़ाएं माय डियर। गार्डनिंग करना, यू नो पर्टिकुलरली नेचर के साथ बात कीजिए माय डियर, आपको सुनने में ऑड लग सकती है, बट नेचर के साथ बात कीजिए माय डियर। गायास की एनर्जी है, दिस इज़ द गाया एनर्जी, सो डेफिनेटली यहाँ पर मदर के साथ भी कनेक्शन को मजबूत बनाइए। एंड दिस इज आई सी स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ आ रही है माई डियर, कॉन्फिडेंस आ रही है नेचर, एंड जैसे आपको वृक्ष के साथ जैसे संबंध बनाना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस चक्रा से। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू ग्रुप नंबर 3, क्या मैसेजेस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, दिस इज़ कंपैशन, रिजॉल्व योर कन्फ्लिक्ट्स विद कंपैशन, हार्ट चक्रा जेट एनर्जी माय डियर,
एंड यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन माय डियर. मैं आपको बोल रही थी आज नहीं तो कल आपकी थर्ड आई चक्र ओपन होगी. कंपैशनेट एनर्जी. थैंक यू स्पिरिट गाइड. थैंक यू. ओके, दिस इज मैनिफेस्टेशन. यस, यू हैव ए ह्यूज मैजिशियन एनर्जी माय डियर. मैनिफेस्टेशन इज अ फ्रूटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव. सोलर प्लेक्सस चक्र टोपज. यस डेफिनेटली, मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं किसी ड्रीम को, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिलीव करना, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. एंड जब आपने मैनिफेस्ट किया, आप उसको लेट गो कर दीजिए, मतलब उसको सरेंडर करना कि जो होगा कुदरत देख लेंगे. मैंने मैनिफेस्ट किया है, मुझे बिलीव है वो होगा. ऐसा नहीं है कि ड्यूअल माइंड, कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं. यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टेंट. थ्री टाइम्स दिस इज़ अ कन्फर्मेशन माई डियर. एंड बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम्स की एनर्जी है. ड्रीम्स आर व्हेयर योर माइंड ट्रांसलेट द डिवाइन. ड्रीम्स में साइन वगैरह देखना. दिस इज अ थर्ड आई चक्रा, लैब्राडोराइट, थर्ड आई चक्रा. सो डेफिनेटली दिस इज अ लैब्राडोराइट क्रिस्टल. इस क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हैं माय डियर. ओके, सो डेफिनेटली इस जगह पर मुझे नज़र आ रही है थर्ड आई चक्र आपकी ओपन होगी माय डियर. एंड ड्रीम्स में साइन वगैरह दिखना हो सकता है, पॉसिबल है आपके लिए, बिकॉज यू हैव ए ह्यूज यूनिक ऑरा माय डियर, बिलीव इट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.